गौतम गंभीर ने अपनी टीम से रोहित शर्मा को बाहर कर दिया है। जी हाँ, उनकी टीम में रोहित शर्मा नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है। आप कहेंगे भाई टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने आखिर टीम से कप्तान रोहित शर्मा को क्यों हटा दिया। दरअसल पूरा माजरा यह है कि गौतम गंभीर ने अपनी ऑल टाइम 11 चुनी है, उसमें उन्होंने रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है। ओपनर के तौर पर खुद को उन्होंने रखा है गौतम गंभीर, और वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने ओपनर के तौर पर रखा है, यानी कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी ओपनर के तौर पर उनकी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं, लेकिन नंबर 4 पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को टीम में रखा हुआ है। गेंदबाजी में बात करें तो जसप्रीत बुमराह नजर नहीं आते। वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े गेंदबाज आज की तारीख में अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, लेकिन गौतम गंभीर की टीम में अपनी जगह वो नहीं बना पाए हैं। उस टीम में विराट कोहली है, उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन उस टीम का कप्तान कौन है ये उन्होंने रिवील नहीं किया है। विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को टीम में जगह दी है, लेकिन अपने ऑल टाइम 11 में कैप्टन को रिवील नहीं किया है। तेंदुलकर नंबर 4 पर होने वाले हैं, राहुल द्रविड़ वहां पर होने वाले हैं, युवराज सिंह को जगह दी है, लेकिन जैसा हम बार बार करेंगे रोहित शर्मा जो कि फिलहाल अपने करियर के पीक फॉर्म में नजर आते हैं वो वहां पर अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। रोहित शर्मा को हमने देखा है बार बार कई इंटरव्यूज में गौतम गंभीर तारीफ करते हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे सेल्फलेस खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ा टैलेंटेड कोई खिलाड़ी है तो वहाँ पर रोहित शर्मा नजर आता है, लेकिन रोहित शर्मा गौतम गंभीर की ऑल टाइम 11 टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। उनकी टीम कैसी है चलिए आपको बताते हैं। ओपनर के तौर पर गौतम गंभीर ने टीम में सहवाग और खुद को रखा है, यानी कि सहवाग और गौतम गंभीर की ओपनिंग होने वाली है। इसके बाद नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ आने वाले हैं, नंबर 4 पर सचिन आने वाले हैं, नंबर 5 पर विराट कोहली को जगह दी है, उसके बाद युवराज सिंह जो कि गौतम गंभीर के हमेशा से फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, इसके बाद विकेट कीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी है। स्पिन में बात करें तो वहाँ पर अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन को रखा है, इसके बाद इरफान पठान और जहीर खान, ये प्लेइंग 11 उनका कहना है कि ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 जो है टीम इंडिया की वो ये नजर आने वाली है। यानी कि इसके अलावा जितने भी क्रिकेटर्स हैं गौतम गंभीर को लगता है कि शायद वो इतने बेस्ट नहीं है कि जो प्लेइंग 11 टॉप है गौतम गंभीर की उसमें अपनी जगह बना पाए। इसी वजह से वहाँ पर बुमराह नजर नहीं आ रहे हैं, रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे हैं, दोनों ही मॉडर्न ग्रेट्स हैं। गौतम गंभीर की टीम पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि बेस्ट ऑल टाइम 11 यही है या फिर कोई खिलाड़ी मिसिंग आपको नजर आता है? आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।